इस वीडियो में हम VAV और VCD के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा HVAC सिस्टम होता है वहाँ पे VAV और VCD ये दोनों सिस्टम यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये हमारे एक तरह के डैम्पर सिस्टम होते हैं जो हम HVAC में डैम्पर यूज करते हैं, आपने देखा होगा, ये उन्हीं का एक प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करें VAV की, तो जो हमारा VAV होता है इसका पूरा नाम वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है, यानी इसमें जो एयर की वॉल्यूम होती है वो अलग अलग हो सकती है। आपको जो यहाँ पे ये VAV सिस्टम लगा दिखाई दे रहा है, ये एयर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, और जो यहाँ पे हमारे जो ये जितने भी रूम या फिर ऑफिस है यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर टेम्परेचर कम है, हमें ज्यादा करना है, तो ये एयर के फ्लो को रोक देगा, और अगर हमें टेम्परेचर कम करना है तो ये VAV एयर के फ्लो को बढ़ा देगा। इस तरीके से ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो हमारी ऊपर सीलिंग होती है इसको उस ऊपर सीलिंग के अंदर लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं उन टेम्परेचर सेंसर के साथ भी जो हमारा ये VAV है वो कनेक्ट रहता है, जिसकी मदद से ही ये सेंस करता है कि टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, फिर उसके अनुसार ही ये एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। बेसिकली VAV को जो हमारा एक लार्ज एरिया या फिर लार्ज सेक्शन है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा एक AHU लगा है जिसको एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं, ये VFD से कंट्रोल है। आप देख पा रहे हैं ये VFD से इसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल होती है, और यहाँ पे जो ये इसकी रिटर्न एयर वाली डक्ट है यहाँ से ये एयर को सक करके फिर यहाँ जो इसमें कोइल लगी रहती है उसमें अगर ठंडा करना है तो ठंडा, गर्म करना है तो फिर हवा को गर्म करके यहाँ पे आगे इस डक्ट के सहारे आगे तक भेजता है। अब इस डक्ट से हमारे ये अलग अलग सेक्शन निकले रहते हैं, हमारे ये एक सेक्शन हो गया, हमारा ये एक सेक्शन हो गया। अब इन सेक्शन का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए ही हमारे ये VAV यूज किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं एक VAV हमारा यहाँ पे ये यूज है, एक हमने VAV यहाँ पे ये लगाया है, फिर आगे हमारी डक्ट गई है जो अलग अलग ऑफिस या फिर कमरों में गई है, और ये जो हमारा VAV होता है इसकी मदद से हम इन सभी का जो टेम्परेचर है वो एक साथ में कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमें किन्हीं जैसे ये एक रूम है, दूसरा रूम है, या दूसरा ऑफिस है, ये तीसरा ऑफिस है, इनका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हम VCD का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको VCD का एग्जाम्पल दिखाएं, तो VCD का मतलब होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। अब जैसे हमने बताया था हमारा ये यहाँ पे AHU लगा है, अब यहाँ से आगे ये मेन हमारी डक्ट गई है और यहाँ से अलग अलग सेक्शन इसमें से अलग हुए हैं, और यहाँ पे हमारा जो है वो VAV लगा होता है, और VAV से आगे जहाँ पे हमारा जो ये अलग अलग ऑफिस या रूम है उनका जो टेम्परेचर या फिर एयर कंट्रोल करनी होती है उसके लिए हम ये VCD यहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे हमारा VCD है या फिर VAV है, इनको हम मोटराइज वाल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही जगह आपको हम दोनों का एग्जाम्पल दिखाएं, तो इसके लिए आप इस फोटो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको VCD लगा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको VAV भी लगा दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको ये कहाँ पे लगवाने हैं और किस तरीके से लगवाने हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि इसको VAV को यही लगना है तो यही लगा सकते हैं, VCD को यहाँ पे लगना है तो हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं, हम इनको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इस मेन डक्ट के सेक्शन में भी लगा सकते हैं, या फिर जो हमारी ये अलग अलग ऑफिस के लिए जो डक्ट गई है इनके अंदर भी हम इनको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये VCD होता है इसको हम मैनुअल और मोटराइज वाल दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो हमारा यहाँ पे ये VAV बॉक्स लगा रहता है इसको हम ऑटोमेटिकली यानी मोटराइज वाल के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। अगर आप यूटिलिटी फैसिलिटी HVAC या इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमने मोटर स्टार्टर, हाउस वायरिंग नोट्स, विंडो एंड स्प्लिट AC, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, BMS आदि जैसे कुछ टॉपिक पे ई-बुक बनाई है, जिन ई-बुक को पढ़ के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इन ई-बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप इनको बहुत ही कम कीमत में खरीद सकते हैं। उम्मीद है VAV और VCD से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।